तो हम लोगों ने E1, E2 और E1CB ये सारी बातचीत तो खैर कर ली थी, तो अभी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है ना, जो आपकी स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, और अगर वो किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं तो उनका किस तरीके से रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो। तो देखो, आप लोग ऑलरेडी डिहाइड्रो हेलुजिनेशन पढ़ चुके हो, ठीक है, एलिमिनेशंस के केस में। अब आपको ये पढ़ना है कि डिहेलोजिनेशन क्या होता है। अब पहले तो तुम्हें ये वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर ये डिहेलोजिनेशन, ये बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं। तो मान के चलिए कि आप लोगों के पास एक विसिनल डाइहेलाइड है। अब सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी होगा कि वॉट डू यू मीन बाय द टर्म विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड हम उसको कहते हैं जिसमें आपके पास दो सेम हेलोजन एटम्स, वैसे सेम भी हो सकते हैं, कई बार डिफरेंट भी होते हैं, बट मैं ये कहूँगी दो आप लोगों के जो हेलोजन एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एडजेसेंट कार्बन एटम पे, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर सब्सट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। अभी जो विसिनल डाइहेलाइड नामक बला है, ठीक है, ये विसिनल डाइहेलाइड नामक बला आप लोगों की क्या करती है, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन करती है। डीहेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है वो दोनों के दोनों हेलोजन हट जाएंगे, ठीक है, रिमूवल ऑफ टू हेलोजन एटम्स, वो दोनों के दोनों हेलोजन जो एक दूसरे के एडजेसेंट में है वो दोनों हट जाएंगे, इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये कहानी थी बस इसकी, इतनी छोटी सी प्यारी सी। अच्छा, अब इस रिएक्शन में आप ऐसे कौन से रिएजेंट डालते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप ऐसे कौन से रिएजेंट डालते हो जिन रिएजेंट के प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होती है, आपकी कंडक्ट होती है। तो बहुत सारे रिएजेंट हो सकते हैं, कुछ रिएजेंट्स के मैं नाम लिखवा देती हूँ, इन रिएजेंट्स को याद रखना है। एक तो तुम लोगों का बहुत ही पसंदीदा रिएजेंट है, याद है हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी, है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमने कौन सा रिएजेंट लिया था, NaI(acetone), एग्जैक्टली यही सेम रिएजेंट हम यहाँ पे भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे मैम कि फिंकलस्टीन रिएक्शन करवानी है कि डीहेलोजिनेशन करवानी है। तो देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन में यूजुअली आप लोगों के पास एक ही हेलोजन होता है ना, उस एक हेलोजन को वो आयोडीन रिप्लेस कर देता है, और डीहेलोजिनेशन रिएक्शन में आपके पास दो हेलोजन्स होंगे और वो भी एडजेसेंट पोजिशन पर। तो आपको क्या करवानी है, पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन करवाना है। ज़रूरी नहीं है कि सोडियम आयोडाइड को आप यूज़ करो एसीटोन के साथ, अगर आप यहाँ पे जिंक डस्ट यूज़ करते हो, जिंक डस्ट का मतलब होता है जिंक मेटल का पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, और साथ में वहाँ पे क्या लेते हो, इथेनॉल लेते हो, तो भी ये रिएक्शन होगी। अगर आप सिल्वर लेते हो और सिल्वर के साथ अगर आप इथेनॉल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो भी ये रिएक्शन होगी। तो ये बेसिकली मैंने तुमको कुछ रिएजेंट्स बता दिए जिनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ बताना मैं भूल गई कि इथेनॉल के बदले में, मतलब इस इथेनॉल के बदले में हो सकता है वहाँ पे तुम लोगों को एसिटिक एसिड देखने को मिल जाता, ठीक है। अच्छा, हो सकता है तुम्हें ये वाला भी एक कभी कभार रिएजेंट देखने को मिल जाए, सोडियम प्लस ईथर आपको ये देखने को मिल जाए, या फिर आपको क्या देखने को मिल जाए, KI प्लस एसीटोन देखने को मिल जाए। तो ये वो लोग हैं कि अगर सबस्ट्रेट आप लोगों का एक विसिनल डाइहेलाइड है तो विसिनल डाइहेलाइड के केस में ये लोग क्या करवाएंगे, आपने के दोनों हेलोजन निकलवा देंगे। अच्छा, अब दोनों हेलोजन निकलेंगे तो यानी कि बेसिकली ये रिएक्शन कुछ इस तरीके की दिखेगी कि ये कार्बन है, इसके मान लेते हैं यहाँ पे एक हेलोजन है, ये दूसरा कार्बन है, इसके पास मान लेते हैं हेलोजन है। अब होगा क्या, अगर आपने ऊपर मेरे लिखाए हुए किसी भी रिएजेंट को यहाँ पे उपयोग में लाया तो ये वाला हेलोजन चला जाएगा, ये वाला हेलोजन चला जाएगा, और बेसिकली क्या होगा, उन दोनों कार्बन्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो मत सोचो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है फिलहाल ये सोचो, यानी कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बना, अल्कीन। तो यानी कि ये भी एक प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन ही है,
इसीलिए इसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन है तो ये किसी ना किसी मैकेनिज्म को फॉलो कर रही होगी, E1 को, E2 को, E1CB को, किसी को तो कर रही होगी। तो डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, आप लोगों की E2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, यानी कि जो सारे रूल्स E2 के लिए वैलिड थे वो ये सारे रूल्स यहाँ पे इसके लिए भी वैलिड होंगे। और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि E2 रिएक्शंस में बोलो क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, और अगर एंटी आपको नहीं दिख रहा है तो एंटी हमको वहाँ पे बोलो क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। डन, तभी देखो मैंने एक हेलोजन आपका ऐसे लगाया है, एक हेलोजन मैंने आपका ऐसे लगाया है, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा हाँ करके यहाँ पे एंटी हेलोजिनेशन होता है, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन होता है, बराबर। अच्छा, उसके अलावा एक बात का ध्यान रखना है कि यूजुअली हम कहते हैं कि रिएक्शन E2 के साथ कॉम्पिटिशन में SN वाली रिएक्शंस मिलती हैं, तो आपको यहाँ पे बस एक बात याद रखना है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैम यहाँ पे फिंकलस्टीन क्यों नहीं हो रही, SN2 डज नॉट टेक्स प्लेस। SN2 डज नॉट टेक्स प्लेस का मतलब होता है कि सोडियम और आपके NaI और एसीटोन के कॉम्बिनेशन को देखकर लगता है ना कि फिंकलस्टीन हो जाए, और फिंकलस्टीन बेसिकली क्या है, आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म ही है, तो यहाँ पे कोई SN2 नहीं होगी। अगर मान लेते हैं किसी को ऐसा लगता भी है कि नहीं मैडम SN2 क्यों नहीं हो रही, तो चलो एक काम करो तुम SN2 करवा के देखो। तो अगर तुम SN2 करवा के देखोगे तो क्या होगा, एक्स को रिप्लेस कर देगा आयोडीन, है ना, यही तो होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में। अच्छा, करवा दिया, एक्स को रिप्लेस कर दिया आयोडीन में, अब ये दोनों आयोडीन एक दूसरे के बोलो कैसी पोजिशन में, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजिशन में, मतलब बेसिकली अगेन विसिनल है। तो ये ना एक बहुत ही प्यारा सा सिस्टम होता है कि आयोडीन बाहर चला जाता है किसके फॉर्म में, आप लोगों के I2 के फॉर्म में, और अगर ये I2 के फॉर्म में बाहर निकला तो देखो अल्टीमेटली वही प्रोडक्ट बन गया जो एलिमिनेशन से बन रहा था, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करवा कर भी आपको नहीं कुछ मिला। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी दो एडजेसेंट पोजिशन पर आपको आयोडीन दिखे तो वह हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वो I2 को रिमूव कर देते हैं। तो अल्टीमेटली तुमने अगर फिंकलस्टीन करवा भी ली तो फिंकलस्टीन करवाने के बाद जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा वाला मिलता है, आप लोगों का अगेन एलिमिनेशन वाला मिलता है। तो कभी भी अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसा फीलिंग आए कि अरे यार यहाँ पे फिंकलस्टीन क्यों नहीं हो रहा, तो समझ जाना फिंकलस्टीन करवा लो, लेकिन दो आयोडीन अगर एडजेसेंट आए हैं तो I2 के फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है। जब एडजेसेंट में इतने हाईली अनस्टेबल है तो सोच लो एक ही कार्बन पे होते तो क्या होता उनका, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म में समझा दूंगी, बट मैकेनिज्म से जाने से पहले कुछ पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मायने ये रखता है कि आपसे ट्रिक वाइज क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्योंकि आप पेपर में पूरी मैकेनिज्म तो पोथी पुराना तो लेकर आप बैठोगे नहीं ना। चलो तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि मान के चलो, अच्छा मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री वाले दूंगी, ताकि थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस हो जाए, और अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, दो हेलोजन को हटाओ, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, खत्म, है ना। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक क्या है, दो हेलोजन्स यानी कि एक्स आपको बेसिकली क्या करने हैं, हटाने हैं, और उसके बदले में क्या करना है, डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। अभी तक हम लोगों की आदत क्या चलती थी कि हम लोग बीटा हाइड्रोजन वगैरह निकालते थे, वो सबका तामझाम नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चंस में आते हैं, तो अगर तुमने पुरानी क्लासेस की हैं E2 की, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला काम तुम्हारी नोट्स कॉपी में है, तुमने स्वयं खुद प्रैक्टिस किया है, तो तुम्हें शायद याद होगा कि मैंने वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए थे। मैं अभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लेती हूँ, सबसे पहले शुरुआत ही हम कठिन सवाल से करते हैं, ताकि जब तुम बाद में इजी सवाल करो तो तुम्हें लगे अरे वाह ये तो कितना आसान है, है ना। अच्छा देखो, ये BR है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ME है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ME है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो आप लोगों का लिविंग ग्रुप होता है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजिशन पर होना चाहिए। ये मैंने उस वक्त भी बताया, मैं फिर से बता देती हूँ, अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजिशन पर नहीं है तो उसको हॉरिजॉन्टल पोजिशन पर आप लेकर आओ, ठीक है, उसके बाद उसका एलिमिनेशन करवाओ। तो कैसे लाएंगे हॉरिजॉन्टल पोजिशन में, फिलहाल तो ये वाला ब्रोमीन भी हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, ये वाला भी नहीं है, अगर एक आधी होता तो समझ में आता ना, तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों को हॉरिजॉन्टल लाना है। कैसे लाते हैं, रोटेशन के वाया लाते हैं।
तो यूजुअली जब मैंने तुमको वहाँ पर ये चीज़ें बताई थी तो मैंने तुमको हमेशा क्या कहा था कि रोटेशन करने से पहले क्वेश्चन को न्यूमैन में कन्वर्ट कर लो। न्यूमैन से अगर आप क्वेश्चन करते हो ना तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है। और उसके बाद मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, यानी कि हम लोगों ने ट्रिक्स तो नहीं कहूँगी, जब वहाँ पर दो या तीन क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री के कर लिए थे तो मैंने एक जनरलाइज रूल बना दिया था, उसी रूल को हम रिवाइज करेंगे। तो अगर किसी को वो क्लास नहीं आती तो पहले उसको रिवाइज करो। बोलो इसका न्यूमैन कैसा दिखेगा। ऊपर रहेगा ब्रोमीन, लेफ्ट में आपका एच और यहाँ पे राइट में आपका एम ई। ये मैंने इस कार्बन को बनाया, ये इस कार्बन का प्रेजेंटेशन है ये। अच्छा, जो नीचे वाला कार्बन है यानी कि ये, इसका प्रेजेंटेशन कहाँ है, वो पूरा का पूरा सर्कल खुद उस कार्बन का प्रेजेंटेशन है। अब बोलो क्या होगा, आप लोगों के नीचे वाले कार्बन का जो ब्रोमीन है वो कहाँ दिखाएंगे हम, ये हम यहाँ दिखाएंगे। यहीं पे क्यों दिखाएंगे, मैं अगेन कह रही हूँ, अगर तुम्हें वाली क्लास नहीं आती है तो पहले उसको जाके सीखो, मैंने वहाँ पे बताया है कि वहाँ कैसे क्या लिखेंगे। तुमने अगर उस क्लास में कोई डाउट नहीं पूछा है मतलब तुम्हें अभी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर वो नहीं आता है तो पहले उसको सीखो। अब बोलो क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। न्यूमैन में रोटेशन करने का सिंपल नियम होता है, एक को फिक्स रखो दूसरे को रोटेट करो बस। तो मैं रोटेट करती हूँ, तो ये बी आर यहाँ आ जाएगा, ये एम ई यहाँ मिड में पहुँच जाएगा और ये एच इस पर्टिकुलर मिड पोजिशन पर पहुँच जाएगा। यानी कि ये चीज़ आपकी कैसी दिखेगी, ये इस तरीके से मान लो एक गोला, ऊपर में आप लोगों का बी आर और ये वाला एच और ये वाला एम ई वैसे का वैसी। वो येल्लो वाला जो बी आर है वो कहाँ आ गया, यहाँ। वो येल्लो वाला एम ई कहाँ आ गया, यहाँ। और वो येल्लो वाला एच कहाँ आ गया, यहाँ। क्या अभी एंटी एलिमिनेशन करवाया जा सकता है, क्या नहीं करवा। एंटी ई क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन ई टू को फॉलो करती है। क्या यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन करवाया जा सकता है, नहीं। एंटी का मतलब होता है कि दोनों लीविंग ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। यहाँ तो ये वाला बी आर और ये वाला बी आर, ये तो एक दूसरे के एडजेसेंट है, अपोजिट तो तुम दूर दूर तक नहीं है। फिर अब क्या करवाएं, एक और बार रोटेशन करो। तो जब तुम एक और बार रोटेशन कराओगे तो ये एम ई के पास जाके छुप जाएगा, ये एच के पास जाके छुप जाएगा, ये एच बी आर के पास जाके छुप जाएगा। बोलो कैसा दिखेगा, किसी एक को फिक्स रखना है हाँ। तो मैं कैसा कर रही हूँ, जो वाइट वाले हैं उन वाइट वालों को मैंने क्या करके रखा है, फिक्स। देखो मैं उनको नहीं हिला रही हूँ, मैं सिर्फ येल्लो वाले एटम्स को क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, आपका जो बी आर है वो बेसिकली यहाँ पर आ जाना है, जो आपका एम ई है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो H है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। क्या अभी भी मैं दोनों BR को आपस में एलिमिनेट कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, वो अभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। एक बार फिर रोटेट करो। देखो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार में रोटेशन करके अपना आंसर लिख लेते हैं, बट मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि तुम नहीं कर सकते हो, और हो सकता है कि अगर कर सकते हो तो अभी उतने प्रो नहीं हो, तो इसीलिए मैं एक एक स्टेप बच्चों जैसे बता रही हूँ। अगर तुम प्रो हो, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम विजुअलाइज करके उसको, अच्छा ये दो रोटेशन में होगा, तीन रोटेशन में होगा, कर सकते हो, तुम एक ही बार कर सकते हो। मेरे जैसे बच्चों जैसे करने की नीड नहीं है, क्योंकि मेरा पर्पस सिखाना है तो मेरे को तो बच्चों जैसे ही सिखाना पड़ेगा ताकि सबको समझ में आए, और तुम्हारा पर्पस है सॉल्व करना। अगर तुम सीख चुके हो तो तुम अपना डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे केस में अगेन रोटेशन होगा। अब रोटेशन से बोलो क्या होगा, एच यहाँ मिड में आ जाएगा, बी आर यहाँ मिड में आ जाएगा और ये एम ई यहाँ मिड में आ जाएगा। यानी कि यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया BR और यहाँ आ गया MI। धन्य है, फाइनली अब आपके दोनों लीविंग ग्रुप BR और BR एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहाँ से क्या करो, आप क्या करो, BR BR दोनों निकाल दो। कैसे निकल रहे हैं उस पर फोकस मत करो, क्योंकि पेपर में आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, कैसे निकल रहा, कहाँ निकल रहा हो, या नहीं भी है ट्रिक है तो चलो कम से कम प्रोडक्ट तो लिख लोगे, है ना। तो दोनों BR निकाल दो। अब अगर दोनों बी आर में निकाल देती हूँ तो बताओ मेरी चीज़ कैसी दिखती है। जैसी दिखती है ना वैसी बनाना, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने का। एक एम ई यहाँ पर है, एक आपका एच यहाँ पर है, है ना। अच्छा, और उसके बाद एक एम ई आपका यहाँ पर है और एक एच आपका यहाँ पर है। डोंट यू थिंक कि आपके ये दोनों के दोनों एम ई एक दूसरे के 180 डिग्री पर है, यानी कि अपोजिट है। और जब तो लाइक ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, ट्रांस। तो यानी कि ये चीज़ कैसी दिखेगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ एच, यहाँ पे एम ई और यहाँ पे एम ई और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहाँ से आया, तो बेसिकली इस कार्बन को और इस कार्बन को हमने लिखा और दोनों बी आर के जाने के बाद वहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, डबल बॉन्ड।
तो ये वो समस्या है कि पहले मैंने क्या किया, आप लोगों का जो बीआर है उसको रोटेट करके अपोजिट लाए। अगर इस क्वेश्चन को मैं न्यूमैन से करती हूँ तो ये उसका तरीका है। अभी एक प्रोजेक्शन आपका 100 हॉर्स वाला प्रोजेक्शन भी होता है, बट मैं यूजुअली उसको फेवर नहीं करती हूँ, मैं न्यूमैन के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये जो आपको पर्टिकुलर फिशर प्रोजेक्शन दिया है, इस फिशर प्रोजेक्शन में ही क्या करते हैं, सवाल बना लेते हैं, ठीक है, वो बी आर को रोटेट करके यहाँ ले आएंगे, इस बी आर को रोटेट करके यहाँ ले आएंगे, वो सब कर लेंगे। बट कैसा है, 50 ठोक रूल बना के कोई मतलब नहीं है, एक नियम फॉलो करो जो इसमें आप प्रो हो और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर निकालो। तो मैं तो देखो न्यूमैन के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालती हूँ, मुझे भैया न्यूमैन बड़ा ही पसंद है। चलो एक और क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये बी आर है, उसके बाद यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे आपका एम ई है, यहाँ पे एच है, उसके बाद यहाँ एच है, यहाँ पे एम ई है, बराबर। अच्छा तुम्हें लगेगा ऊपर वाले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है, देखो अंतर एम ई और एच की पोजीशंस का है। ऊपर वाले सवाल में आप चेक करिए, दोनों तरफ आपके एम ई सेम तरफ थे, दोनों तरफ आपके एच आर मतलब एच और एच आपके कैसे थे, सेम तरफ थे, है ना, तो इसीलिए वहाँ हम लोगों ने वैसा ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आप उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें, तो मैं फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट कर ली हूँ, अब थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेंगे। बोलो ऊपर वाले को वाइट कलर से डिनोट कर रहे हैं और नीचे वाले को येल्लो, तो बी आर ऊपर है, मेरा भी बी आर ऊपर है, बट वाइट वाले का एम ई जो है वो लेफ्ट में है और मेरा जो ये उल्टा हो गया था, तो मैंने इसको क्या कर लिया, लो इस तरीके से सीधा कर दिया, है ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एच क्रिएट करवा दिया। फिर अब बात आती है कि जो नीचे वाला है, ये हम लोगों का येल्लो वाला, इसके बारे में क्या करना है, इसका बी आर नीचे है तो ऑब्वियसली उस नीचे की तरफ नहीं ड्रॉ करते, उसको ऊपर वाले के साथ ही चिपका कर दिखाते हैं। इसका एम ई कहाँ है, आर एच एस में है, तो चलो खैर यहाँ पे देखो एम ई आर एच एस में है। इसका एच कहाँ है, एल एच एस में। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट करवाती हूँ कि कितने रोटेशंस लगेंगे कि बी आर एक दूसरे के अपोजिट आ जाए। जब आप पहली बार रोटेट करोगे 60 डिग्री से, पहली बार जब आप रोटेशन करोगे 60 डिग्री का, तो बी आर यहाँ पर आएगा, ये होगी उसकी फर्स्ट लोकेशन। फिर जब आप अगेन एक बार 60 डिग्री से रोटेट करोगे, तो अभी जहाँ पे एम ई है वहाँ पे आप लोगों का बी आर आएगा। जब आप एक और बार 60 डिग्री से रोटेट करोगे, तो वो जाके यहाँ पे सी पोजिशन पर आएगा, येल्लो वाला बी आर, और मैं कहूँगी वाइट वाला बी आर और येल्लो वाला बी आर आप एक दूसरे के बोलो क्या हो गए, एंटी हो गए, अपोजिट हो गए। तो यानी कि टोटल कितने रोटेशन लगेंगे, यहाँ पे 3 बार रोटेशन हमको करना पड़ेगा, तब जाके वो एक दूसरे के एंटी होंगे। और एंटी होने के बाद डायरेक्ट बताओ चीज़ें कैसी दिखेंगी, ये आप लोगों का गोला, ऊपर में आपका बी आर, यहाँ पे आप लोगों का एम ई और यहाँ पे आपका एच। अब देखो बी आर तो आ गया अपोजिट में, यहाँ पे आ गया बी आर। अच्छा एम ई का क्या हुआ होगा, जब आप पहली बार रोटेशन करेंगे तो एम ई कहाँ पे आएगी, सी वाली जगह पे आएगी। जब आप दूसरी बार रोटेशन करेंगे तो एच की जगह जाएगी। जब तीसरी बार रोटेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, यानी कि बेसिकली एम ई हो गई है यहाँ, और ऑब्वियस है कि जो बचा कुचा है आपका एच वो रहा होगा कहीं यहाँ। अब तुम क्या करो, दोनों बी आर को निकाल दो, क्योंकि देखो निकालना तो है, बट निकालने के बाद देखो क्या बनेगा। आप लोगों के पास एक गोला बचा, ये लो मेरा गोला, है ना, इस गोले से इधर पे क्या कनेक्टेड है, एम ई कनेक्टेड है, इधर पे क्या कनेक्टेड है, एच कनेक्टेड है, और एक येल्लो वाला एम ई यहाँ और एक येल्लो वाला एच यहाँ। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे देखो ये दोनों एम ई सेम साइड आ गए हैं, यानी कि ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना, ये बोलो कैसा प्रोडक्ट बना, सिस प्रोडक्ट बना। तो चाहे आपका बी आर वर्टिकल लाइन में हो या ना हो, ठीक है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमैन्स में जैसा है वैसा ड्रॉ करो, रोटेशन करके वहाँ तक पहुँचो। इसीलिए मैं हमेशा किसको प्रेफर करती हूँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन को प्रेफर करती हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगी तुम लोगों को बिंदास, ऐसे सवाल करके कोई मतलब नहीं है। देखो यूजुअली E2 में जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि कैसा होता है कि ये एलिमिनेट करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, वो तो कोई भी कर लेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चल एक और में आते हैं, अब मान लेते हैं मैंने आपको एक और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे दिया, ये दे दिया है CH3, यहाँ पे दे दिया है H, यहाँ पे दे दिया है BR, यहाँ पे दे दिया है BR और यहाँ दे दिया है H और यहाँ दे दिया है CH3। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक है, आप चाहो तो इसको न्यूमैन के थ्रू कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन डिफॉल्टर क्वेश्चन नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चंस दोनों डिफॉल्टर थे,
क्योंकि मैंने क्या कहा था, लीविंग ग्रुप हमेशा कौन सी पोजिशन पे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। वहाँ पे लीविंग ग्रुप कौन सी पोजिशन पे थे, वर्टिकल। इसीलिए मैंने उन क्वेश्चंस को डिफॉल्टर क्वेश्चंस कहा है। ये मस्त क्वेश्चन, लीविंग ग्रुप देखो, ये देखो लीविंग ग्रुप दोनों ही वजह से कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में, तो ये डिफॉल्टर क्वेश्चन नहीं है। फिर भी आप इसको न्यूमैन के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज जब हमने E2 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम किए थे तब तुमको मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना सिखाया था। क्या तुमसे मैंने कहा था कि अगर दोनों लिविंग ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे के ट्रांस है, लिविंग ग्रुप बोलो एक दूसरे के कैसे हैं, पहले से ट्रांस है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा वाला बनेगा, सिस वाला बनेगा। अगर आप चाहो तो न्यूमैन से करके देख सकते हो, तुम देख लेना आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही वाला बनेगा, चाहो तो ठीक है, अदरवाइज चॉइस तो भैया तुम्हारी है, ठीक है, तो बना लोगे। ये कहानी होती है आप लोगों की, इस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट क्या करना होता है, बनाना होता है, क्रिएट करना होता है, और अपने आंसर को क्या करना होता है, देना पड़ता है, ठीक है। ये होती है स्टीरियो केमिस्ट्री की कहानी। चलो एक बार न्यूमैन के थ्रू कर लेते हैं। हाँ, अगर दोनों लिविंग ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट रहे तो प्रोडक्ट आपका सिस ही बनता है। चलो एक बार बना लेते हैं, हो सकता है मैं कहीं भूल भूल ना गई हूँ, मे भी मुझे खुद पे डाउट है इसलिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। चलो ऊपर में आ जाते हैं CH3, अच्छा, और इधर में आ गया हम लोगों का BR, इधर में आ गया H, नीचे वाले को मैं येल्लो से इंडिकेट कर देती हूँ, तो ये पीछे छुपा बैठा है CH3। BR कहाँ पे है, राइट में है, यानी कि कहीं, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये यहाँ कहीं राइट में यहाँ होगा और H मेरा यहाँ कहीं होगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों BR एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं, तो देखो कितनी बार रोटेशन करनी पड़ेगी। पहली बार रोटेशन करोगे तो BR यहाँ पे आएगा, येलो वाले BR की बात कर रही हूँ, हाँ। दूसरी बार रोटेशन करोगे तो जहाँ H है वहाँ आ जाएगा। क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या, नहीं। तीसरी बार रोटेशन करोगे तो जहाँ मैंने C लिखा है ये मिड, यहाँ कहीं आ जाएगा। चौथी बार रोटेशन करोगे तो यहाँ पे जो ये D है वहाँ कहीं आ जाएगा। अब जब पांचवी बार रोटेशन करोगे E, तब वो जाके आप लोगों का पूरा या वाइट वाले BR के बोलो कैसे आएगा, अपोजिट आएगा। अब कई स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं कि मैम येल्लो वाले BR को रोटेट करने से आप अच्छा वाइट वाले को कर लेती तो काम आपका ज़्यादा आसान हो जाता। देखो बट मैं अपने नियम बड़े फिक्स करके चलती हूँ कि मैं येल्लो को करूँगी तो मैं हमेशा येल्लो को ही करती हूँ, मैं नियम चेंज नहीं करती फालतू के, ठीक है, टेंशन नहीं लेती। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का BR, यहाँ पे आ गया आपका येल्लो वाला BR, सॉरी येल्लो बनाना भूल गए, तो यहाँ आ गया आपका येल्लो वाला BR। येल्लो वाले CH3 का क्या हुआ होगा, कितनी बार रोटेशन किए हैं भाई, पांच बार रोटेशन किए हैं, तो देखो पांच बार रोटेशन करने से क्या असर हुआ होगा। CH3 पहली रोटेशन में आया होगा या बीच में, दूसरी रोटेशन में आया होगा यहाँ, तीसरी रोटेशन में आया होगा यहाँ, चौथी रोटेशन में आया होगा यहाँ, और पांचवी रोटेशन में वो आया होगा यहाँ, ये यहाँ पर। तो कभी भी ऐसी हरकत मत मार डालना, ठीक है, कि दोनों को ही जैसे दिख रहा है कि अच्छा मैडम देखो ये वाला BR ना बेसिकली उधर चला गया सामने, तो CH3 को भी सामने भेज देते, आप एक्चुअल में रोटेशन करके देखना, ठीक है। अच्छा येल्लो वाले H का क्या हुआ, जब आपने पहली बार रोटेशन की होगी तो आया होगा यहाँ बीच में, दूसरी बार की होगी तो CH3 की जगह में, तीसरी बार की होगी तो बीच में, चौथी बार की होगी तो BR की जगह में, पांचवी बार किए हो तो आ गया होगा यहाँ, डन। अब दोनों BR देखो एक दूसरे के अपोजिट आ गए हैं बड़े ही खूबसूरती के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एलिमिनेशन करा देना है। एलिमिनेशन कराने के बाद आपकी खूबसूरत चीज बोलो कैसी दिखेगी, CH3। अच्छा यहाँ पे क्या दिख रहा है, H दिख रहा है, वाइट येल्लो वाला BR कहाँ है, इधर है, और येल्लो वाला H कहाँ है, यहाँ कहीं है। क्या ये आपको सिस दिख रहे हैं, देखो दोनों एक दूसरे के सेम तरफ है। मैंने वही कहा था कि जब आपके पास लिविंग ग्रुप ट्रांस हो तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है भाई वो कैसा बन जाता है, आप लोगों का सिस। तो तुम ये क्वेश्चन को ना चाहे तो कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसा मैंने बताया ट्रिक जो हम लोगों ने सीखी थी, या तो खैर जैसा अभी बताया वैसे भी कर सकते थे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ PH है, यहाँ पे BR है, यहाँ पे BR है, और यहाँ पे H और H है। अब क्या पूरा न्यूमैन फिर से करने का इरादा है क्या? अच्छा मैं देखो एक भी जगह रिएजेंट नहीं लिख रही हूँ, हाँ, तो रिएजेंट मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप याद रखो कि वो जो रिएजेंट ऊपर आपको लिखवाएं उन्हीं में से कोई होगा तो एक होगा, बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ। बोलो क्या हो जाएगा, सॉरी बताइए बार बार क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रोडक्ट बोलिए क्या बनेगा।
प्रोडक्ट में दोनों बीआर अभी कहाँ है, लिविंग ग्रुप देखो, लिविंग ग्रुप कहाँ है, ये दोनों सेम साइड में, सेम साइड को हम लोग क्या कहते हैं, सिस, मतलब लिविंग ग्रुप पहले से सिस में है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो प्रोडक्ट आप लोगों का कौन सा वाला बनेगा, ट्रांस वाला बनेगा। तो यानी कि क्या करना है, सीधा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ढाई से क्रिएट करो। अभी जो आपके बचे हुए ग्रुप्स है बीआर के जाने के बाद, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ होंगे, ट्रांस में होंगे। लो, तुम चाहो तो मेरी बात को वेरीफाई करने के लिए इस चीज़ को न्यूमैन से बनाकर बोलो क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी E2 के ज़माने में चेक कर चुके हैं, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन है, पीएच है, यहाँ पे एच है, यहाँ बीआर है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे बीआर है और यहाँ पे पीएच है। अब बोलो अब क्या होगा, देखो लिविंग ग्रुप कहाँ है, एक लिविंग ग्रुप यहाँ है, एक लिविंग ग्रुप यहाँ है ना। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, दोनों लिविंग ग्रुप पहले से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, बोलो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट है, यानी कि ट्रांस है। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा वाला बनेगा, सिस वाला बनेगा। ठीक है, तो क्या क्रिएट करिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्रिएट करिए और जो ग्रुप्स हैं उनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ बना दीजिए, सिस में बना दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट है ये इस तरीके से। तो डी हेलोजिनेशन रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, बस उतना याद रखिए, वो काफ़ी है। E2 अगर E2 है तो यानी कि क्या होगा, ज़रूर वहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगा, और एंटी एलिमिनेशन होगा मतलब वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी क्या होगी, अच्छी खासे लेवल पर इन्वॉल्व होगी। ये इतनू सा ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कंसेप्ट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तुम्हें अगर ऐसा लगे कि अरे डी हेलोजिनेशन कितना कठिन टॉपिक है, तो इसमें क्या कठिन है बताओ, कुछ भी कठिन नहीं है। जो आपने E2 में पढ़ा है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है, मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बारे में आपका क्या कहना है। तो देखो मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकती, ऑब्वियस है कि तुमको E2 मैंने पढ़ाया है तो इसका मतलब मुझे E2 की मैकेनिज्म तो आती है और तुमको भी आती है। बोलो क्या होता है E2 में, थोड़ा थोड़ा लिविंग ग्रुप बाहर जाता है अल्फा पोजिशन का, थोड़ा थोड़ा लिविंग ग्रुप बीटा पोजीशन का बाहर जाता है और थोड़ा थोड़ा अल्फा के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। मतलब बेसिकली सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ। ऑब्वियस है कि मैंने बहुत सारे रिएजेंट्स लिए, देखो कौन कौन से रिएजेंट्स लिए मैंने, NaI ऑब्लिक एसीटोन लिया है, Zn+ इथेनॉल लिया है, इथेनॉल की जगह आपका एसिटिक एसिड हो सकता है, Sn+ इथेनॉल लिया है, Na+ ईथर लिया है, Ki+ एसीटोन लिया है। तो हर रिएजेंट की देखो मैकेनिज्म ना वेरी करती है, तो आपको हर रिएजेंट की मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इनमें ये जो दो लोग हैं ना, ये एक्चुअली में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कौन से वाले, NaI एसीटोन वाला और ये जिंक डस्ट वाला। तो मैं इन दोनों के मैकेनिज्म बता देती हूँ, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। और आपको ये मैकेनिज्म अगर आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ट्रिक पता होनी चाहिए कि करना क्या है, इसीलिए मैंने ट्रिक पहले बताई। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, तो मैं पहले मैकेनिज्म बताऊंगी फिर ट्रिक्स वगैरह। बट अगर मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में ट्रिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले ट्रिक्स देन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सिर्फ इतना आत्मसंतुष्टि के लिए, बाकी तुम मुझे बताओ मैकेनिज्म का कहीं भी कोई रोल पड़ा क्या आपको ये क्वेश्चन करवाने में, कहीं कोई रोल नहीं पड़ा। फिर इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना काम करते वक्त। ठीक है, चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने कोई एक विसिनल डायहेलाइड ले लिया, ठीक है, सच दैट कि उसके दोनों ब्रोमीन फिलहाल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी है। मैंने एंटी वाले इसीलिए चूज किए ताकि यार उसको एंटी में कन्वर्ट करने की ना झंझट ना रहे। अब मैं तुमसे कह रही हूँ इसमें NaI और एसीटोन डालो। तो देखो एसीटोन इज़ अ सॉल्वेंट, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था फिंकलस्टीन रिएक्शन में कि हम वहाँ पे एसीटोन क्यों यूज़ करते हैं, तो अभी मैं वो कहानी रिपीट नहीं करूँगी। तो एसीटोन इज़ माई सॉल्वेंट, NaI इज़ माई रिएजेंट। अब आप चाहे एलिमिनेशन कराओ या चाहे आप सब्स्टिट्यूशन कराओ, दोनों में ही निगेटिव स्पीशीज पार्टिसिपेट करती है, यानी कि NaI में मुझे Na पॉजिटिव से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट I निगेटिव में। अब जैसे कि तुम तो जानते हो E2 रिएक्शन में क्या होता है, E2 रिएक्शन में जो भी आपका बेस है
वो अटैक करता है अल्फा पोजिशन के लिविंग ग्रुप को, है ना। अच्छा, अब अल्फा पोजिशन किसको कहोगे? दोनों में ही, क्योंकि ब्रोमीन लगा है। किसी एक को अल्फा कह दो तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा वाला बीटा बन जाएगा। और ध्यान रखना, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम बीटा से हाइड्रोजन नहीं निकालते, हम दोनों से ही हेलोजन निकालते हैं। ये कृपया करके आप याद रखें, ठीक है, आप कृपया करके याद रखिए। बोलो क्या हो जाएगा? एन ए आई, आई निगेटिव आएगा, ध्यान से इस बी आर को बोलेगा चल मेरे साथ, तो बी आर बोलेगा ठीक है चलता हूँ मैं। तो यानी कि थोड़ू थोड़ू सा बॉन्ड यहाँ से बोलो टूटने लगेगा, थोड़ू थोड़ू सा बॉन्ड यहाँ पे बनने लगेगा, और एट द सेम टाइम क्योंकि ई टू साइमल्टेनियसली होती है, थोड़ू थोड़ू सा बॉन्ड यहाँ से भी बोलो क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। तो यानी कि अल्टीमेटली ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सी एच थ्री, ठीक है, आपका सी एच, उसके ऊपर जो बी आर लगा है वो उड़न छू हो गया, डबल बॉन्ड बन गया सी एच और सी एच थ्री। ये रिएक्शन ई टू मैकेनिज्म वाली एक ही स्टेप में होती है। प्रोडक्ट क्या बना वो तो हमें पता चल गया, बाय प्रोडक्ट क्या बना? तो देखो, जो आई था वो तो सिर्फ एक ही बी आर पे अटैक किया। ई टू मैकेनिज्म में यही होता है ना कि जो बेस होता है वो अल्फा पे अटैक करता है, बीटा पे नहीं करता। तो अगर कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैडम सोल्यूशन में तो कितने सारे आई निगेटिव होंगे, तो जो दूसरा वाला आई निगेटिव होगा वो दूसरे वाले बी आर को अटैक कर देगा, तो ऐसा मत करो। मैकेनिज्म जो आपने ऑलरेडी ई टू की सीखी हुई है उससे स्ट्रिक्ट रहो। क्या कहती है ई टू की मैकेनिज्म? अल्फा पे अटैक होगा और बीटा उस अटैक के चलते बाहर जाएगा, उस पर लेकिन कोई अटैक करता नहीं, बेस उसके पास नहीं आता, बीटा के पास नहीं आता। तो यानी कि वो जो आई निगेटिव का एक मोल है वो सिर्फ एक ही बी आर को बाहर निकाल के लेकर गया, यानी कि प्रोडक्ट बन गया। खैर, बोलो आप लोगों का क्या? आई बी आर, इसको हम लोग कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। मतलब बेसिकली अभी तक आप कैसा पढ़ते आते हो कि हेलोजन कभी नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, मतलब आपस में तो बेसिकली दो हेलोजन कंबाइन हो रहे, दैट इज नोन एज इंटर हेलोजन। लेकिन जो बीटा का बी आर है वो बेचारा तो बाहर गया ही नहीं, मतलब उसको तो कोई आई निगेटिव लेने आया ही नहीं, वो बेचारा उदास बैठा है, अरे यार मेरे को तो कोई बाहर लेने आया ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो ऐसे में वो अकेला आयंस के फॉर्म में बैठा है। तो देखो, प्रोडक्ट तो बन चुका है, ये तो हम जानते हैं। हमारा अब बहस किस बारे में चल रही है? बाय प्रोडक्ट के बारे में चल रही है। तो बाय प्रोडक्ट देखो, अब इसका अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी एक निगेटिव चार्ज स्पीशीज वहाँ पर मौजूद है और दूसरी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज वहाँ पर एन ए पॉजिटिव मौजूद है। अब कई स्टूडेंट को लगता है, कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि चलिए आप एक काम करिए, उस बी आर निगेटिव को और आप उस एन ए को आपस में क्या करवा दीजिए, कंबाइन। ऐसा पढ़ाने वाले ऐसा पढ़ाते हैं, खैर मैं वो नहीं कह रही हूँ, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल मैकेनिज्म में ये होता है कि सोल्यूशन में बहुत सारे आई निगेटिव होंगे, है ना, सोल्यूशन में बहुत सारे आई निगेटिव होंगे, तो उन बहुत सारे आई निगेटिव में से एक आई वापस से आता है इस आई को लेने के लिए, चल आई मेरे साथ का तू बाहर चल, और इस बी आर को बोलता है गेट आउट बी आर, बाहर निकलो। और फिर जो बी आर निगेटिव यहाँ से बाहर निकलता है वो बेसिकली इसके साथ कंबाइन होता है, इस एन ए के साथ। और इस बी आर निगेटिव का क्या हुआ? डेफिनेटली ये बी आर निगेटिव भी सोल्यूशन में जो और एन ए पॉजिटिव मौजूद होंगे उनके साथ कंबाइन होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लावारिस रह जाएगा, बट पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रही है मैकेनिज्म। तो देखो, आपका जो प्रोडक्ट बनना था अल्किन वो तो बना ही बना, साथ में एन ए बी आर वो भी बन गया, और आई निगेटिव आकर उस आई को लेकर गया, तो आपको वहाँ से आयोडीन गैस बाहर निकलते हुए दिखेगी। अब किसी इंसान को ये कैसे पता चला कि आई आई पे ही अटैक करेगा? क्योंकि जब वो गैस निकली होगी, आयोडीन गैस जब निकलती है तो उसके फ्यूम्स दिखे होंगे, है ना, आपकी जो गैसेस होती हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जब अगर गैस के फॉर्म में बाहर निकल रही हैं तो इनका कलर होता है। वैसे ही आयोडीन गैस का कलर ना थोड़ा सा, अगर आप ब्राउन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, इन सारे कलर्स को आपस में मिक्स कर दो, या बेसिकली मैं कहूँ वायलेट कलर, चलो छोड़ो, तो वायलेट कलर की आपको कैसे दिखती है? गैस बाहर निकलते हुए दिखती है, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ज़रूर वहाँ आई टू बना होगा। तो अगर एक इंसान ऐसा सोचेगा कि आई बी आर बन गया और वो ये सोचेगा एन ए बी आर बन गया, तो फिर आई टू कहाँ से आई? इसका मतलब कि इंटर हेलोजन कंपाउंड आई बी आर के बनने के बाद वो आई निगेटिव ने अपने आई को लेने के लिए वो वापस आया होगा,
और उससे I2 बनी होगी और वही I2 हमको क्या हो रही है, दिख रही है। ठीक है, तो ये कहानी बेसिकली आप लोगों की होती है, इस तरीके से ये काम चलता है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैंने क्या कहा था कि मैं जिंक के लिए भी तुमको ये चीज़ बता दूंगी। चलो जिंक के लिए भी मैं तुमको ये खैर ये चीज़ बता देती हूँ, जो कि मैं अगेन कह रही हूँ मैकेनिज्म उसका कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। अच्छा, क्या हो जाएगा, देखो CH3C, यहाँ पे Br, यहाँ H, यहाँ पे कार्बन, यहाँ H, यहाँ ऊपर में Br और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हम लोग लेकर आ रहे हैं किसको, जिंक को। तुम जानते हो जिंक एक मेटल है, है ना। मेटल्स क्या करते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो ये भी जो जिंक के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा भाई, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इस Br को। यानी कि जो काम एक न्यूक्लियोफाइल करता है ना, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके ललचाना कि आजा मेरे पास आजा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये Br क्या करता है, जो अपने दोनों खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूज़ करवा देता है यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में, और फिर वो जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला Br बोलता है भगया से मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा हूँ। क्यों, कार्बन ने क्यों नहीं रखे वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बल्ले बल्ले, तो इसीलिए कार्बन ने नहीं रखे। तो इस तरीके से फाइनली आप लोगों का यहाँ पे प्रोडक्ट अगर मैं देता हूँ तो अल्कीन बनता है, और यहाँ से आपका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो ZnBr2। ये उतना इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट नहीं है जितना ऊपर वाला था आयोडीन गैस। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन डी हेलोजिनेशन खत्म होती है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ जो एक्चुअली मेरे को कराना था, मैं भूल गई कराना, कि देखो एक मिनट पहले बना लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे H है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका H है, H है, H है, ये इस तरीके की कहानी। अब अगर मैं तुमसे ये कहती हूँ कि अल्कोहलिक KOH डालो, सुनो अल्कोहलिक KOH, अरे यार ये क्या हो गया, रुको। ठीक है, मैं तुमसे ये कहती हूँ अल्कोहलिक KOH डालो E2KYR, और मैं तुमसे यहाँ कहती हूँ NAI डालो एसीटोन के साथ और E2 करवाओ, तो तुम बोलोगे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो ठीक है, NAI एसीटोन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तुम बोलोगे मैडम इस Br को निकालो, इस Br को निकालो और दोनों के बीच में आप क्या क्रिएट कर दो, डबल बॉन्ड। यही तो सिखाया है ना अभी तुमको, और दोनों एक दूसरे के एंटी भी है, बताओ बड़े मज़ेदार चीज़ ये क्रिएट हो गया। तो अल्कोहलिक KOH डालने से क्या फ़र्क आ जाएगा, क्या ये वो रिएजेंट है जो मैंने आपको ऊपर लिस्ट में लिखवाया, नहीं ये उस लिस्ट में वो रिएजेंट नहीं है। क्या ये विसिनल डाइहैलाइड है, हाँ ये विसिनल डाइहैलाइड है। तो ऐसे केस में आपका ये रिएजेंट उस लिस्ट में लिखे हुए रिएजेंट की कैटेगरी का नहीं है, ये अल्कोहलिक KOH है। हो सकता है कल को NaNH2 होता, ETO निगेटिव होता, मतलब बेसिकली उस लिस्ट में जो नहीं लिखा है, या आप लोगों का बहुत ही क्या है स्ट्रॉन्ग बेस वाले लोगों में आता है, ये आया है रिएक्शन कराने एकदम अकड़ कर कि वहाँ मैं आया हूँ। तो ऐसे केस में अब डी हेलोजिनेशन नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों हेलोजन निकलेंगे नहीं, दोनों हेलोजन निकलेंगे, बट इनका तरीका कैसा होगा, नॉर्मल E2 वाला तरीका। नॉर्मल E2 वाला तरीका बोलो क्या होता है, हेलोजन जिस कंपाउंड से कनेक्टेड होता है उसको अल्फा लिया जाता है, और जिसके पास हाइड्रोजन होता है यानी कि बीटा एलिमिनेशन, कौन सा वाला, हाइड्रोजन वाला एलिमिनेशन, यहाँ पे कौन सा होगा, हाइड्रोजन वाला एलिमिनेशन होगा। तो इस अल्फा के रिस्पेक्ट में बोलो यहाँ पे क्या है, ये बीटा है, तो इनडायरेक्टली होगा क्या कि उन दोनों के बीच में एलिमिनेशन होगी, आपस में दो हेलोजेंस के बीच में नहीं होगी, उन दोनों के बीच में होगी। सिमिलरली इस Br के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में एलिमिनेशन होगा, तो ये प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखिए जो लिस्ट में अगर आपको दिया है उसमें से चीज़ें आ रही हैं तो क्या लिखना है, अगर लिस्ट में से नहीं आ रही है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह आपको दे दिया गया है तो आपको क्या लिखना है। ठीक है, लेकिन अब हो तो दोनों आखिर E2KYR ही हो रही हैं, मान के चलते हैं, चलिए मान के चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मान लेते हैं, मैंने यहाँ दे दिया Br, यहाँ दे दिया H, यहाँ दे दिया CH3, यहाँ दे दिया H। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दे दिया Br, यहाँ दे दिया H, यहाँ दे दिया H, यहाँ दे दिया H। तो देखो अब मैं कहूँगी अल्कोहलिक KOH के थ्रू करवाइए E2। तुम तो जानते हो यहाँ पे हाइड्रोजन वाली एलिमिनेशन होगी,
हाइड्रोजन वाली एलिमिनेशन होगी, ये बी आर जाएगा, ये एच जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये बी आर जाता, ये नीचे वाला बी आर है, तो इसको निकालने के लिए बोलो कैसा वाला एच चाहिए जो ऊपर है, क्या यहाँ पे ये एच पर्टिकुलर ऊपर है क्या, नहीं है, ये तो एच आपका नीचे है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में या तो आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाइए और न्यूमैन प्रोजेक्शन से पहले उसको रोटेट करवा के उसके एंटी में लाइए और फिर प्रोडक्ट बनाइए, तो ऐसी होगी कहानी। तो याद रखना कभी भी दो हेलोजन दिखे तो तपाक दिनी से ये मत बोल देना भाई कि यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, सीधा सीधा दोनों हेलोजन निकलेंगे, ये मत करना, आपको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि उसके साथ जो रिएजेंट दिया है वो क्या दिया है, अगर वो रिएजेंट हमारी लिस्ट में से कोई है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो आपको क्या करना है, जैसा बताया है दोनों को भगाओ और डबल बॉन्ड क्रिएट करो, बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का रिएजेंट हो लाइक ई आर ओ नेगेटिव आर ओ एच के साथ अल्कोहलिक के ओ एच या एन ए ओ एच फ्यूज के ओ एच या एन ए ओ एच, मतलब बेसिकली जो ई टू मैकेनिज्म मैंने बहुत सारे रिएजेंट्स की तुमको लिस्ट लिखवाई थी ना उसकी बात कर रही हूँ, उनमें से अगर कोई एक हुआ तो फिर आपको रिएक्शन अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन पार्ट से जो जाता है उसके अकॉर्डिंग करवानी है। तो यहाँ पे हम लोगों की क्या समाप्त होती है, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन समाप्त होती है, ये ई टू मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ध्यान रखिएगा ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड काम भी मैंने करवा दिया है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। कल हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे जो ई टू मैकेनिज्म को फॉलो करती है, दैट इज पायरोलिसिस। तो कल का कल देखेंगे कि आखिर पायरोलिसिस आपकी बेसिकली क्या होती है, जिसको हम लोग कोप रिएक्शन भी कहते हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इवन ई टू की इवन सी भी, और जिसे मैकेनिज्म को फॉलो करेगी अगर उसके जैसा सबस्ट्रेट कभी हम लोगों को फ्यूचर में दिखा तो फिर हम लोग बात करेंगे उसके बारे में ठीक है। तो फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं, कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हमको कल एलिमिनेशन ख़त्म करना है, तो कल मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला पार्ट नहीं लूँगी, कल हम लोग एलिमिनेशन को संपूर्णतः ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं है जो मैं बता रही हूँ। कोप रिएक्शन एक वो वाला टॉपिक है आपका, और दूसरा टॉपिक ये है कि कब हमको हॉफमैन वाला प्रोडक्ट लिखना है और कब हम लोगों को सेट्ज़े वाला लिखना है, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाती हैं जिसमें हॉफमैन डोमिनेट कर जाता है सेट्ज़े को, वो पढ़ना है। और एक तीसरी बातचीत हमें ये करनी है कि किस तरीके से आप कंपेयर करोगे एसएन और आपस में एलिमिनेशन रिएक्शन को, कंपैरिजन। तो ये तीन छोटे छोटे सब टॉपिक्स पढ़ने के बाद कल एलिमिनेशन को हम समाप्त कर देंगे, उसके बाद परसों से जो पार्ट स्टार्ट होगा दैट वुड बी एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म ठीक है। एडिशन रिएक्शन आप किस तरीके से करवाते हो, एरोमेटिक में, एलिफेटिक में वगैरह वगैरह ठीक है, तो वो भी आपके इसी क्या कहते हैं एलिमिनेशन के जैसा छोटा है बट उतना भी नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के जैसा उतना बड़ा भी नहीं ठीक है।